आयरन मैन का कैरेक्टर प्ले करने वाले रॉबर्ट डाउन बचपन में एक बहुत ही बड़े गंजेड़ी और शराबी थे, और इनके साथ साथ वो तीन चार तरह के नशे और करते थे जिनके अंदर हेरोइन, कैप्सूल और ड्रग्स भी शामिल थे। लेकिन अभी ये मत सोचना कि इसी के कारण वो आयरन मैन बने। दरअसल जब ये 7-8 साल के थे तब सबसे पहले इनके पिता ने ही इनकी मुलाकात गांजे से करवाई थी, और तब से ही ये अपने पापा के आज्ञाकारी बच्चे बन के उनके बताए गए रास्ते पर चलते रहे, जो रास्ता की मेरी नजर में थोड़ा कैजुअल है। भाई दबे उनके पापा भी बहुत बड़े नशेड़ी थे, और दोनों बाप बेटे एक साथ मिलकर दबा के धुआं छोड़ते थे, और बात एल्कोहल की उसको तो वो बिल्कुल पानी की तरह पीते थे, जिसके कारण रॉबर्ट एक बार जेल में भी जा चुके थे। और इनको इस नशे की लत ने पूरे पूरे 30 साल तक परेशान किया, लेकिन आखिरकार इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ इसको छोड़ ही दिया और हॉलीवुड के वन ऑफ द बेस्ट पेड एक्टर आयरन मैन बन गए।